दोस्तों 10 साल से ज़्यादा हो गए मुझे अस्थमे थुन करते हुए, मैं कैसे इसको रिकवर कर सकता हूँ? ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं और बहुत कुछ मुझसे कॉल पे पूछा जाता है। अगर आप भी नेक्स्ट वीडियो में जानना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम की पूरी जानकारी तो मुझे कमेंट कर देना अपनी प्रॉब्लम इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, लंबे समय तक अगर आप अस्थमे थुन करते आ रहे हैं, लंबे समय तक आप परेशान हैं मास्टरबेशन से, तो आप उसको घर पर कैसे रिकवर कर सकते हैं। कुछ 3 टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, उसमें नुस्खे भी होंगे, उसमें तरीका भी होगा, उसमें कुछ एक्सरसाइज भी होगी। तो एक पूरा आपको नज़रिया मिल जाएगा कि कैसे आप घर पर बिना कोई मेडिसिन के, बिना कोई दवाई के रिकवर कर सकते हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर मुकुल शर्मा और मैं काफ़ी सालों से और मेरी फैमिली 35 सालों से इसी चीज़ में फोकस करके काम करती आ रही है, सेक्सुअल प्रॉब्लम और सेक्सुअल बीमारियों में, STD प्रॉब्लम्स में। और मैं राजस्थान से रहने वाला हूँ, आप सभी मुझे अच्छे से जानते हैं, काफ़ी सालों से आप लोग मुझे फॉलो करते आ रहे हैं। अगर नए हैं आप तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको और बेटर वीडियोज़ मिल सके और बेटर जानकारियाँ मिल सके, और अपनी प्रॉब्लम्स में कमेंट करेंगे तो उसकी भी आपको बेटर वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट, तो हम सबसे पहले बात करेंगे रिकवर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय मेरे हिसाब से 90% लोग तो मास्टरबेशन करते ही करते हैं, और मास्टरबेशन कोई लोग तो कम करता है, कोई ज़्यादा करते हैं, कुछ महीने में एक दो बार करते हैं, कुछ हर दिन में एक दो बार करते हैं। हर प्रकार का इंसान होता है, तो हर प्रकार के इंसान के हिसाब से सॉल्यूशन भी होना चाहिए। अगर आपने मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा कर लिया है और आपका शरीर पूरा ख़त्म हो चुका है, तो ये वीडियो पूरी ध्यान से देखने लायक है। इसमें सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कैसे आप रिकवर कर सकते हो, कैसे आपको क्या डाइट प्लान रखनी है। तो सबसे पहले हम जो आपको खाना नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। आप अगर अपनी बॉडी को रिकवर करना चाहते हैं लेकिन आपको कुछ परहेज रखने होंगे, सबसे पहले परहेज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आपको क्या लेना है, क्या एक्सरसाइज और क्या लाइफस्टाइल रखनी है उसके बारे में बात करेंगे। ये पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो है मास्टरबेशन रिकवरी के बारे में। अगर आप नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो उस नंबर पर अगर आपको किसी को मास्टरबेशन रिकवरी की ट्रीटमेंट लेना हो वही कॉल करें, अन्यथा आपको नुस्खे इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको लेना क्या नहीं है, क्या कंज्यूम नहीं करना है उसके बारे में। तो क्या नहीं लेना है, आज के समय क्या होता है, सिगरेट हो गया, स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, ये नॉर्मल हैबिट बन चुकी है, बच्चों की भी हो, युवाओं की भी हो। लेकिन ये चीज़ें आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है, साथ में आपकी मास्टरबेशन को रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। अगर आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो उसको आपको छोड़ना ही होगा। साथ में आप अगर कोई भी प्रकार का मार्केट का फास्ट फूड लेते हैं, जैसे कि बर्गर, पुचका या पिज्ज़ा, कोई भी अगर फास्ट फूड यूज करते हैं, तो उसको आपको रोकना पड़ेगा जब तक आपका शरीर पूरी तरीके से रिकवर ना हो जाए। फिर हम बात करेंगे इसके आगे कि हमें आगे करना क्या है जिससे हमारा रिकवर हो। ये चीज़ें तो आपको रिकवर होने में मदद करेंगी करेंगी, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें आप मार्केट में, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, जूस पीते हो मार्केट का, जो कि डब्बा बंद है, वो सब केमिकल है, तो उसको प्लीज़ हो सके तो बंद कर दीजिए, वो आपको जहर है, कुछ नहीं देगा, शरीर बर्बाद ही करेगा और ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको तो बंद करनी है। अब करना क्या है, पहले हम लाइफस्टाइल से शुरुआत करते हैं कि लाइफस्टाइल आपको क्या चेंज करनी है, लाइफस्टाइल में क्या चेंजमेंट करनी है। सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या चेंज करनी पड़ेगी, आपको सही समय पर उठना है और सही समय पर सोना है। अब ये आप लोग कहोगे ये तो हमें भी पता है, लेकिन करता कोई नहीं है, अगर करोगे नहीं तो रिकवर नहीं हो पाओगे। ये आपको मैं बताता हूँ, अगर आप प्रॉपर 8 से 9 घंटे की नींद नहीं ले पाओगे तो शरीर रिकवर नहीं होगा, क्योंकि जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, जो आगे इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ, वो आपको इसी चीज़ों पे मायने रखता है। फिर आपको सुबह जल्दी उठ के 5 या 6 बजे कम से कम उठकर आपको कम से कम भी 15 से 20 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है। मैं आपको ज़्यादा नहीं कहने वाला हूँ, सिर्फ 15 से 20 मिनट, इतना हर इंसान अपने आप को शरीर को नहीं दे सकता है, तो उसके शरीर का कोई मतलब नहीं है 15-20 मिनट। इसलिए उसमें करना क्या है, आपको 5 मिनट पुशअप करने हैं, 5 मिनट उठक बैठक करनी है और 5 मिनट रनिंग करनी है। सिर्फ 3 चीज़ करनी है, पुशअप, उठक बैठक और रनिंग, ये 3 चीज़ कर लीजिए, 15 मिनट काफ़ी हैं। 5 मिनट इसके अंदर 2-2 मिनट का गैप देना है जिससे आपको रिलैक्स हो पाए बॉडी, इसलिए हो गया 20 मिनट। तो ये 20 मिनट आपको करना है और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद अपनी लाइफ में घुस जाइए आप आराम से, पूरा दिन आपका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसमें बहुत सारे लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत होती है, डाइजेशन इशू होते हैं और साथ में बाल झड़ने वाली प्रॉब्लम भी होती है। अब इसके लिए लोग क्या लेते हैं मार्केट से, भाई कोई पेट सफा लिया है, कुछ लिया है, कुछ लिया है, बहुत सारे कब्जी नाशक चूर्ण होते हैं वो ले आते हैं, या पाचन की कुछ दवाई ले लेते हैं। लेकिन वो लोग इस चीज़ को समझ नहीं आ पाते कि उनकी हार्मोन्स कम हो गए हैं, उनका डाइजेशन खराब नहीं हुआ, उनका हार्मोन्स कम हो गए जो हमारे खाने पीने को सही से एडजस्ट करता है हमारी बॉडी में,
वो सही से सीक्रेट नहीं होंगे, तो दवाइयां तो जब तक काम करेंगी जब तक आप ले रहे हो। लेकिन हाँ, इसका जो रिकवर करने वाली दवाई होती है, जैसे मैं देता हूँ, मैं इसकी डाइजेशन की दवाई डायरेक्ट नहीं देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जो हार्मोन्स वीक हो चुके हैं, जो ग्लैंड्स कमजोर हो चुके हैं, उन पे काम करता हूँ मैं, जिसे वो हार्मोन्स सही तरीके से सीक्रेट होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डाइजेशन सही होगा। डायरेक्ट डाइजेशन की दवाई नहीं देता हूँ कि पेट साफ हो जाए आपका, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए टाइम लगता है रिकवर होने, और परमानेंट इंसान रिकवर हो जाता है और ठीक हो जाता है। फिर आगे बात करते हैं इसके लिए आप क्या कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल नुस्खे चाहिए इसके लिए, तो आप किशमिश का पानी रोज पी सकते हो खाली पेट, और वो किशमिश भी आप खा सकते हो रात को भिगो के। इससे आपका डाइजेशन में भी आराम मिलेगा, आपका बॉडी में वजन कम हो चुका है तो उसमें भी आराम मिलेगा, साथ में आपके शरीर में एनर्जी भी आएगी। ये चीज आप नॉर्मली कर सकते हो। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं सर ड्राई फ्रूट्स खाएं, बादाम खाएं, अखरोट खाएं, क्या खाएं जिससे हमारी बॉडी रिकवर हो जाए। अब आपका डाइजेशन इश्यू है, आपका पेट सही नहीं है, तो आप कुछ भी खा लो, वो सिर्फ एक तरीके से आपका फ्लश ही जाएगा। आप 1,000, 2,000, 3,000 रुपए लगा के अच्छे महंगे बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता लेके आ रहे हो, वो सिर्फ कचरे में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सही से शरीर एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा आपका, करेगा नहीं तो कैसे लगेगा नहीं, और लगेगा नहीं तो आपके शरीर में ताकत कैसे आएगी, ऑब्वियसली बात है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी सबसे पहले कि हमें हमारी रूटीन चेंज करना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें हमारे शरीर में डाइजेशन इश्यू सही करना है। वो कैसे करना है मैं बताया, बाकी आप रिकवरी किट के लिए मेरे को कॉल भी कर सकते हो। और क्या करना है आपको, देखो बादाम अखरोट तब खाना जब आपका डाइजेशन अच्छा हो जाए, उसका सही पाचन हो, और आप खा के 2-3 दिन में आपको ताकत महसूस होने लग रही है, तो समझ लो आप सही से आपके शरीर में वो बादाम हो गया, अखरोट हो गया, काजू हो गया, किशमिश जो भी आप खाओगे वो लग रहा है, समझे। अगर आप ऐसा कुछ भी खाओगे तो नहीं लगेगा, कुछ भी कर लो, पैसा बर्बाद है आपका, ओके। अब बात करते हैं कि सर सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है उसका क्या करें। सेक्सुअल प्रॉब्लम है, अब देखो 10 साल आपने हस्तमैथुन किया, 5 साल आपने हस्तमैथुन किया, कितना ही किया, लेकिन उसको आप रिकवर आप रातों रात नहीं कर सकते। आपको टाइम देना पड़ेगा शरीर को, मास्टरबेशन धीरे धीरे रोकना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आपको डाइजेशन इश्यू सही करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद इसमें सालों का प्रोसेस है। आपने सालों बर्बाद किया है तो कुछ दिनों में आप रिकवर नहीं हो सकते हो नेचुरली बिना दवाई के, ठीक है। अंग्रेजी दवाई के रूप में खाना मत, चाहे वो लीवर के लिए हो चाहे किसी चीज़ के लिए हो, वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ेंगी, कम नहीं होने वाली है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको और कोई नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मास्टरबेशन रिकवर के लिए मेरे को कॉल कर लीजिए, नंबर आपको दिया हुआ है।